फ्रेश लग रहे हो। मुझे ये बताइए, बहुत इंतजार करवा दिया यार इस फिल्म की वजह से, हम आपको मिस कर रहे थे, कैसी फीलिंग आती है? हाउ स्वीट, मैं भी मिस कर रही थी आप। ये निकालो इसको। और इस फिल्म के साथ मुझे ये बताइए कि कैसे बबलिंग इन द स्टमक होता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक होता है, पहली फिल्म जिसमें आप इतने सुंदर रोल में दिखाई दे रहे हैं। यस, मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का, बॉलीवुड फिल्म है, उसमें मुझे मौका मिला काम करने का, सलमान सर के अंडर काम करने का, सो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती, तो है, थैंक गॉड मिला मौका। बिल्कुल, इसके साथ ही बाकी की फिल्म इंडस्ट्री में भी आपका बहुत सुंदर नाम रहा है, वहाँ खूब प्यार लूटा है आपने, यहाँ पर इतने बड़े बंद के साथ जब इतना बड़ा रोल कर रही हैं तब प्रेशर होता है, भगवान के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मेहनत करोगे तो भगवान साथ देगा, भगवान के ऊपर वो जो पेपर में हम जब मैं बच्ची होती थी तब करती थी कि बाबा प्लीज़ पास करवा देना, बट ये एग्ज़ाम ऐसा है कि ये लोगों के हाथ में है ये एग्ज़ाम, तो मैं चाहती हूँ कि भाईजान को प्यार मिले और पूजा हेगड़े एंड सलमान सर को प्यार मिले एंड ये मूवी सुपर डुपर हिट हो जाए जैसे पठान को इतना प्यार मिला। माय गॉड, मुझे डरा क्यों दिया तुम लोगों ने? ट्रेलर लॉन्च की बात की जाए तो ट्रेलर लॉन्च में सलमान जी ने बोला था कि मतलब आपको जब रफ एडिटिंग दिखाई थी तो आप काफी डर गई थी कि आपका रोल आपको पता ही नहीं चल पा रहा था, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आपकी, मतलब अब कैसा लग रहा है आपका रोल और कैरेक्टर कितना सिमिलर लग रहा है आपका रियल लाइफ से? कुछ नहीं, मैं अपने शॉट ढूंढ रही थी और सर देख रहे थे कि मैं अपने आप को खुद को ढूंढ रही हूँ वहाँ पे, ऐसा ही बस करैक्टर, उसमें भाइयों तीन भाई है, उसकी गर्लफ्रेंड, एक बॉय भाई की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया है एंड यस अच्छा है, सर के साथ काम किया, मौका मिला, थैंक यू सर। पहला दिन पहला सीन था, कुछ याद है आपको क्या मतलब किस तरह से शूट किया, क्योंकि बड़ा पर्दा? हाँ, पहला दिन जब मैं गई सेट पे और मैं देख रही थी, सारे हंस खेल रहे थे एक दूसरे के साथ और मैं अकेली अपनी टीम के साथ थी एंड सब ने मुझे बहुत कंफर्टेबल कराया एंड धीरे धीरे मुझे बोला तू भी हमारे साथ आ, हमारे पास बैठ, तो सब को एक्टर जितने भी थे उन्होंने मुझे कंफर्ट जोन दिया, सब सबके साथ मस्ती की एंड वही था, एक दूसरे से मिले, हेलो हाय ओके बाय, बस ऐसे था। अच्छा शहनाज़ जी, तो आपसे जानना चाहूँगी कि आप पंजाब इंडस्ट्री से यहाँ आई थी, वहाँ के काम करने के तरीके और यहाँ के काम करने के तरीके में कितना आपको फ़र्क नज़र आया जब आपने ये फिल्म की तब? ये बहुत ही बड़े बजट की फिल्म्स होती है, मुझे लगता है बॉलीवुड वाली जो भी फिल्म्स होती है, और मेरे लिए बहुत शॉक्ड था कि अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी लाइक मतलब उनके सेट ही बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आई होप के पंजाबी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे राइज करे एंड उनके भी बजट इतने बड़े बड़े बजट की फिल्म्स बने, तो यही एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, देखा वाओ अच्छा ऐसे भी होता है, तो ये था। बिग बॉस में भी सलमान जी आपसे बहुत स्नेह रखते थे, एक्टिंग करते तो ऑफकोर्स बंदा कैरेक्टर जो भी मिलता है वैसे ही एक्ट करता है, लेकिन रियल लाइफ में जो वो बिग बॉस के सेट पे होते हैं, रियलिटी शो में है, वैसे ही है सेम, कुछ मतलब नया देखने को नहीं मिला। यस दे आर ही सेम, वो अच्छी एडवाइस देते हैं लोगों को, मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, यही सब। तो यानी आपने खूब हंसाया उनको यहाँ पे सेट पर भी, सलमान बहुत हंसते थे जब आप आती थी? नहीं सर, मुझे करेक्ट करते थे, वैसे सच्ची बोलूँ सर मुझे करेक्ट करते हैं कि अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है, हंसी मजाक हो गया, अब तुझे आगे आगे लाइफ में सीखना है, और मैं कर रही हूँ, हिंदी सीख रही हूँ, ट्राई करती हूँ मैं हिंदी सीख लूँ जल्दी से, यस समझ गए ना तुम लोग। लेकिन शहनाज़ इतने सारे एक्टर्स के
शहनाज, इतने सारे एक्टर्स के बीच में एक बेनिफिट आपको ये था कि आपने ऑलरेडी बिग बॉस सलमान के साथ किया था, आपके लिए कितना बेनिफिशियल था बिकॉज एक बॉन्ड आपका ऑलरेडी सलमान के साथ था, तो ये कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? नहीं सर, के साथ सबका बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो तो तुमने चलो रियलिटी शो में मेरा देखा हुआ है बॉन्ड, वो कैमराज के आगे है, लेकिन सर का सभी आर्टिस्टों के साथ अलग अलग बहुत अच्छा बॉन्ड था, तो ऑफकोर्स जानते होगे ना सर सबको, और सर के साथ सारे मस्ती करते, सर सबको अपने मतलब कंफर्ट जोन फील कराते थे, खाना खाते थे एक दूसरे के साथ, हम सेट पे सर बुलाते थे आओ लंच डिनर, हमने इकट्ठे किया है सबने। शहना जी, डांस नंबर्स की बात की जाए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डांस नंबर्स भी हैं इसमें, तो कितनी ज़्यादा मुश्किल पैदा हुई आपको डांस करने में? कुछ नहीं, जाते ही सेट पे वहाँ स्टेप बताते थे एंड वो स्टेप हम कैरी कर लेते थे कॉन्सेंट्रेशन। आपको कितनी मदद मिली डांस के लिए, मतलब राघव अच्छे डांसर ही इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड ऑफकोर्स मदद मिलती है, जब कोई अच्छा डांसर होता है तुम उसके पास ही जाते हो, भाई तू मुझे सिखा, इससे समझ नहीं आ रहा, तो अच्छे डांसर से ही सीखना चाहिए। शहनाज, आप मतलब लोकल स्टार से वहाँ से रियलिटी स्टार या फिर फिल्म स्टार होने जा रही हो, तो ये जो आपके करियर के जो पड़ाव है किस तरह से देखती पीछे और अभी आपको आगे भी देखना है, तो किस तरह से इस चीज़ को लेती हूँ? मैं बहुत ही पॉजिटिव लेती हूँ और मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करना है, मुझे और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एटलीस्ट ज़िंदगी अपनी अपने काम को दूँ और मैं मेहनत करती रहूँ और ऐसे मीडिया मेरे अराउंड रहे और मुझे जैसे तुम लोगों ने बनाया है, मुझे हमेशा सपोर्ट करो और मैं अच्छा अच्छा काम करूँ और आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस निकालो। मतलब मेरे पूछने का मतलब ये था कि आपने मतलब कुछ प्लानिंग करके इस तरह से मूव किया है कि जो आता है आप लेती हैं? प्लानिंग जो है ना सक्सेसफुल नहीं होती लाइफ में ज़्यादातर, और मैं बिलीव करती हूँ ये, मैं कुछ प्लान नहीं करती, जो आता है गो विद फ्लो। शहनाज जी, यूजुअली देखा जाता है कि जो एक्ट्रेस या एक्टर्स हों तो जो एक कैरेक्टर में प्ले करते हैं तो उन लोगों को काफ़ी टाइम तक वही कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाएंगी कैसे? क्यों नहीं निभाऊंगी, मैं अपने आप पे मेहनत करूंगी, मेरे मुझे अगर आएगा काम अच्छा तो मैं वर्कशॉप्स करूंगी, कुछ भी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं लाइफ में। अगर शहनाज गिल वेट लूज़ कर सकती है, अपनी स्टाइलिंग चेंज कर सकती है, तो वो सब कुछ चेंज कर सकती है। शहनाज, पलक ने कहा है कि सलमान खान का एक रोल है कि सेट पे सारी वुमन के ड्रेस जो है वो कवर होना चाहिए, इस पे आपको क्या कहना है? ना, ये कौन पूछ रहा है? ये वो वहाँ पे भी मिस कम्युनिकेट हुआ था, यहाँ पे आप फिर से इसको कर रहे हो, नेक्स्ट पूछो प्लीज। ओके, वैसे मैं बताऊँ तो ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं तो ट्रेलर लॉन्च में भी मैंने अच्छे सेक्सी कपड़े डाले थे, क्लीवेज था, मुझे ऐसी कभी। शहनाज, जो भी लोग सलमान के काम करते हैं सबके लिए स्पेशल एक्सपीरियंस होता है, सलमान के घर से आया हुआ खाना जो कि मम्मी स्पेशली पैक करवाती हैं और बहुत एलेबरेट होता है, हमने वो खाना खाया है देखा है, आपने उनके खाने पर जिस तरह सलमान डिस्क्राइब करते हैं कि डिश के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं सच्ची बोलूँ, उनका कौन सा वो बस कौन सी बींग हंग्री, ओ माई गॉड, मेरा मन करे इनको घर ले जाऊँ, इतना यम फूड होता है ना वहाँ पे, सबसे ज़्यादा सच्ची बोलूँ मैंने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है, और खाना खाने के लिए मैं जाती थी, अच्छा मैं घर से खाना नहीं लेकर जाती थी, मुझे था कि नहीं मैं लंच उधर ही करूँगी, मैं ब्रेकफास्ट भी उधर करूँगी और मैं चाय के साथ सैंडविच भी उधर ही खाऊँगी, क्योंकि इतना यम फूड अलग लेवल का। शहनाज, आप जब फिटनेस की तरफ गई थी तभी आपने कहा था कि मुझे मोटिवेट सलमान ने किया था, लेकिन इस बार काम करते वक्त सलमान खुद आपके साथ थे, कितनी टिप्स वगैरह पर्सनली आप ले पाई सलमान से फिटनेस के रिलेटेड, हालांकि आप अभी आप बहुत फिट हैं, ज़रूरत नहीं आपको, लेकिन फिर भी इस रिलेटेड कितनी बातचीत वगैरह? फिटनेस के ऊपर अगर सलमान सर से टिप्स लेने हैं तो सलमान सर को सिर्फ देखो जिम करते, तो वो तुम्हें खुद ही समझ आएगा कि देखो लाइक उनका जैसे वो जिम करते कितनी मेहनत करते हैं, तो वहाँ से तुम्हें समझ आ जाता है बोलने की और बात करने की और पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सलमान हर बार आपको बोलते कि शहनाज मूव करो, तो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव होंगे? मैं मुझे हमेशा सर यही कहते हैं कि तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू बहुत आगे जाएगी लाइफ में, रुकना मत और तू बिल्कुल भी सैड मत फील किया कर, तू अपने आप पे मेहनत कर, सो मैं ये चीज़ पे बिलीव करती हूँ एंड आई विल ऑलवेज यस। फैंस के लिए यही बोलूँगी
कि फैंस मुझे ठंडी हवा देना हमेशा, मुझे गर्म हवा बिल्कुल मत देना, मुझे गर्म हवा आए भी तो रोक लेना बस। ईद के क्या प्लान है आपके? ईद के बस बाबा सिद्दीकी के लिए रेडी है, कल ड्रेस मेरी रात को। ईद के दिन क्या करेंगे आप, मतलब किस तरह सेलिब्रेट करेंगे ईद? बस यही क्या होना होता है, तैयार होना होता है, जाके खाना खाना होता है अच्छा अच्छा, बस यही होता है ईद के, बस तैयार होना होता है, लड़कियों को तो तैयार होने का शौक है। थैंक यू थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल।